जबरदस्त काल चल रही है, ये सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक रघुवंशी फिर से एक बार अपने चैनल सफारी स्पोर्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा दोस्तों आज है 30 तारीख 30 नवंबर और शुरू होता है दिन सफारी का। बहुत खुशी की बात यह है कि आज हम लोगों को ढिकाला की नाइट स्टे की बुकिंग मिली है और हम लोग आज निकल रहे हैं। अभी तो हम यहाँ पे रुके हुए थे रिजॉर्ट ली रॉय, ये कार्बेट में ढिकुली के पास है। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, अभी हमारी जिप्सी आ रही है और हमारे पुराने साथी पुराने गाइड युवराज भाई भी आ रहे हैं। तो हम लोग निकलेंगे यहाँ से ढिकाला के लिए। कैंपस के अंदर में कैंपस के बाहर जो सोलर फेंसिंग है ना, हाँ हाँ, बाहर ही लगा रहे थे, वो सफाई कर रहे थे, झाड़ी बाड़ी काट रहे थे। अच्छा, ढिकाला में सुना अभी 2 दिन शायद हमला हुआ। हाँ, दो तीन दिन पहले। क्या मार दिया कि खाली ऐसे? हाँ, था था था, कर ही दिया था, मार दिया सर, मार दिया। हाँ, सफाई कर्मचारी अंदर, इसका मतलब मैनेटर हो चुका है वहाँ पे। मैनेटर एक बार पहले भी हुआ, अब इसको रेस्क्यू नहीं कर रहे हैं? अभी रेस्क्यू नहीं कर रहे, नहीं उसको तो पकड़ लिया। अच्छा, पकड़ लिया। अभी हम लोग ढिकाला पहुंचे ही हैं, कॉल आना शुरू हो गई, वो टाइगर वहां दिख रहा है, जा रहे हैं टाइगर देखने। टाइगर यहाँ कैंपस यहाँ गया था रात में। आए, यहाँ पे टाइगर की कॉल चल रही है यहीं पे कहीं, अभी दिखेगा। ढिकाला एफआरएस में कल रात को भी टाइगर आ गया था, आज दोपहर को भी आया था, रोज आ रहा है। परसों यहाँ पे एक टाइगर ने एक आदमी को मार दिया था। तू वाला रोड क्यों बंद कर रखा है? अभी पहले 5-6 दिन पहले ना यहाँ पे एक इंसिडेंट हो गया था। क्या हुआ था? क्या कहते हैं, एक वो था नेपाली, वो था फॉरेस्ट वॉचर था। ओके। वो ना, वो अभी आजकल क्या है कि बड़ा डेंजरस है। अभी इससे पहले एक केस हुआ था यहाँ पर, जब टाइगर ने एक आदमी को मारा था। हाँ, तो वो जो घटना थी उस टाइम पर ना, जो हमारे वॉचर्स थे वो काम कर रहे थे। ओके। तो ग्रासलैंड में घास काट रहे थे, तो अचानक वो जो टाइगर था वो घास लगा के बैठा था। तो जैसे ही वो एक बंदा आयु को काम करने गया ना स्टार्टिंग में, तो उसने झपटा मारा और उसके गर्दन में, और उसको अंदर ले गया। अरे। और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। अरे। हाँ, तो ये पहली घटना थी। हाँ। एक्चुअली जो इसका वो है ना, मैं आपको पूरा इसका हिस्ट्री बताता हूँ। हाँ, बताइए। जो ढिकाला है जी, ढिकाला का जो ग्रासलैंड एरिया है जी, इसमें एक बहुत फेमस टाइग्रेस थी जी, उसका नाम था ग्रासलैंड वाली। अच्छा, ग्रासलैंड वाली। हाँ, तो ग्रासलैंड वाली के 3 बेटे हुए। ओके। वो 3 के 3 मेल है ना। तो उस टाइम पर अभी इस ग्रासलैंड में 4 टाइगर का राज है। अच्छा। एक तो 3 मेल हो गए। ओके। और एक जो ग्रासलैंड वाली की पहली वाली बेटी है। अच्छा, उसने फर्स्ट लेटर है उसका, यहाँ पर अभी पूरा टेरिटरी है। ओके। तो इस एरिया में भी 4 टाइगर है। अच्छा, है ना। तो बेटी ने अपनी माँ को भगा दिया यहाँ से। अच्छा। तो अभी ऐसा माना जा रहा है कि माँ इनको प्रॉपर पाल नहीं पाई। अच्छा। जैसे जो टाइगर का वो होता है, वो 2 साल तक बच्चों को अपने पास रखता है, तो ये पहले ही इनकी फाइट हुई और ये पहले चले गई, तो पूरे हैबिटेट नहीं दे पाई, पूरा इसको वो नहीं दे पाई, इसको ट्रेनिंग नहीं सिखा पाई। तो तब ये अभी रिसर्च आ रहा है कि ये तब ये ह्यूमन पर अटैक कर रहे हैं। ओके, मतलब हाँ, पूरी तरह से ये ट्रेंड हाँ, नहीं ट्रेंड नहीं थे। तो देखिए, ये बहुत छोटे हैं तब भी शिकार कर ले रहे हैं। छोटे का हैं, बड़े दो होते हैं, काटे के छोटे होते हैं। अच्छा। बहुत तेज होते हैं, जाएगा उधर ही जाएगा, हिरन बच्चे वाली जाएगा। अच्छा, उसमें बच्चे इधर उधर चले जाते हैं, उसमें इनको मौका मिल जाता है। जबरदस्त काल चल रही है, ये सुनिए। चलिए
ऊपर आओ, ऊपर नीचे मत रहो, चले जाओ। जस्ट गेट पे है ये, था गेट। गेट से नीचे को आने को तैयार थे इससे टाइगर। हाँ टाइगर आ गया। जहाँ पे थे गेट, कहाँ पे? हाँ अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। ये ढिकाला कैंपस में गेट पे है, इसलिए हम बोलेंगे नहीं। देखो फायरिंग की आवाज हो रही है, देखो भाई लोग जा रहे हैं वह लठ लेके। भाई ढिकाला का माहौल गजब का है। भाई टाइगर जो है यही गेट पे खड़ा है, ये देखो कॉल लगातार आ रही है। भाई गजब, अरे दौड़ के हम ऊपर चढ़े। ये देखो टाइगर आ गया, पूरे फॉरेस्ट सारे जो है वो देखिए गेट पे है, पटाखा दगा रहे। वो देखिए जिप्सी जा रही है, ये देखिए रेडी खाने के लिए जिप्सी जा रही है। वो देखिए बंदूक की दगा रही है। तो सुनो फॉरेस्ट वाले जाने नहीं दे रहे हैं, और सामने देखिए टाइगर। वो देखिए टाइगर आ गया कैंपस पे, आप आवाज सुने होंगे। भाई बहुत ही भाई देख रहे हो दग रही बार बार। देखो सब लाइट किए हैं, टाइगर किसी तरह घुस ना पाए। ये देखिए दगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सबसे शायद दिख रहा होगा उनके। हाँ वो देखिए, इनसे पूछो कहाँ पहुंचा ना भैया, अंदर है क्या? गेट से बाहर। अच्छा ये जंगल वाले बता रहे हैं गेट से बाहर है, लेकिन गेट के पास खड़ा है। वो देखिए उधर टास दिख रही है, सब जो है लगे हुए हैं किसी तरह से टाइगर भाग जाए। यहाँ पे भाई बहुत गजब की स्टेट बन गई है। वन विभाग वाले लौट रहे हैं। भाग गया भैया, वो गया बाहर कैंपस के अंदर नहीं आता टाइगर। अच्छा अच्छा, यहाँ शॉट करते हैं ना, अभी अंदर नहीं आ पाता, सेफ्टी रहती काफी। भाग गया ना? हाँ, तो था तो किनारे ही ना। हाँ स्टाफ को कैसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, किनारे आ जाते हैं तो चले जाता है। अच्छा आप लोग खैर खूब मेहनत की है, मतलब 5 मिनट के अंदर मैंने देखा पूरा वन विभाग जो है वो दगा के आवाज करके लाइट दिखा के। ये जो यहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं, यहाँ पे जो भी स्टाफ है उनको कोई दिक्कत ना हो जाए, जो भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं। नहीं आप लोगों को मैंने देखा 2 सेकंड के अंदर में गजब एक्टिव हो गए भाई। मतलब बहुत बहुत थैंक यू, मतलब बहुत बहुत। ये ड्यूटी हमारी कोने तक डेक पे नहीं है, मतलब सेफ्टी व्यू पॉइंट लगता है। ढिकाला की इतनी सीरियस कंडीशन कभी नहीं थी। नहीं देखो वो तो अटैक हुआ, चीजें हुई, जो भी है, मतलब ठीक है। चाबी दीजिए ना, मेरे पास है। तो ठीक है, देखो वो टाइगर है, वो अपना नॉर्मल है, उसका बाहर घूमेगा, ही विल हंट। उसका ब्रदर मिसिंग है तो ढूंढे भी का कॉल कर रहा है पीछे, नॉर्मल है, इट इज मतलब ऐसा कुछ नहीं पैनिक वाला। बट ठीक है, अपनी सेफ्टी रख सकते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। जो 2-3 मैनिटर हो गए थे, नहीं मैनिटर केस नहीं है वो एग्जैक्टली। देखो दोनों वो फेंसिंग के बाहर थे, एंड टाइगर जब भी कोई अकेला जा रहा है ही कैन चेज एनी, उसका इंस्टिंक्ट अकेल करने का। तो यू कैन नॉट से कि वो पूरी तरह मैनिटर हो गया। उसकी बात सेफ्टी, इसमें एक रिसर्च आ रही है कि 3 मेल टाइगर एक साथ में। हाँ ये तीनों साथ ही, क्योंकि तीनों सब अडल्ट हैं। हाँ कहाँ जाएंगे? अच्छा अपनी मदर को ये लोग भगा दिए, मदर अपने आप छोड़ के जाए। तो हुआ था कि इनकी ट्रेनिंग कम्प्लीट नहीं। देखो शिकार करना है उसने समझाया, किसका करना है, किसका करना है ये नहीं बताया। पिछले सीजन में भी इनकी मदर नहीं थी, हमने पिछले सीजन में भी नहीं शिकार करते देखा है। अच्छा तो ये नहीं कह सकते कि नहीं करना था, बट उतना अच्छी तरह नहीं आता होगा, वो बात मान लिया। तो वो ठीक है, वो लर्निंग स्टेज है, सब में आती है, डायरेक्टली कोई बड़ा नहीं बनता ना, सब सीख सीख के ही बनते हैं। अभी तो ये बहुत एग्रेसिव हो गया। नहीं एग्रेसिव नहीं है ये, यहाँ पे जो इसका एक कल मॉर्निंग में दिखा है कोई एग्रेशन नहीं था, चुपचाप गए। एग्रेसिव कहना या इज अ रॉन्ग वर्ड, वो नॉर्मल उसकी इंस्टिंक्ट है भाई, किलिंग की वो तो करेगा, क्या खाएगा। हाँ
वो सेइंग एग्रेसिव, सुबह जिप्सी इधर भी खड़ी थी उधर भी खड़ी थी, चुपचाप बैठा, चुपचाप चल के गया, उसे कुछ नहीं बोला। तो दे आर नॉट एग्रेसिव, वो एक नॉर्मल है, ठीक है कभी कोई हादसा हो जाता है, ठीक है, दैट इज अ नॉर्मल थिंग। आपके हिसाब से नॉर्मल है? मेरे हिसाब से तो नॉर्मल है, इसमें कुछ ज्यादा नॉर्मल वाली चीज नहीं है। अगर आप इसको लोग बता रहे हैं जो इसका एक भाई उठा ले गए, वो तो उसने किल किया था इसलिए उसको उठा ले गए कि भाई वो उस प्रवृत्ति पे ना चला जाए। जो भी है, आप किसी भी जंगल में जाओ, टाइगर के फेस टू फेस, आपको कौन सा टाइगर नहीं उठाएगा, आप ये बताओ कौन सा नहीं उठाएगा, एक भी बता दो। दैट इज हिज बेसिक इंस्टिंक्ट ना, सो कैन नॉट से कि वो मैन इटर है, ये फालतू की बात है। ये मतलब उनका हैबिटेट, इट इज देयर हैबिटेट। आप उनके हैबिटेट में अकेले कहीं जा रहे हो, घूम रहे हो, ऑब्वियसली अगर उसको ने कुछ नहीं खाया, उसको इजी हंट मिल रहा है, वो करेगा। वो हमारे कमरे में थोड़ी आया, कमरे में थोड़ी आया है वो, सही बात है। हम उसके घर के, हम उसके एरिया में है ना, और उसके एरिया में आप अकेले जा रहे हो तो वो तो और भी गलत है। आप ग्रुप में जाओ, ग्रुप में उसने किस पे चार्ज किया है? पिछला पूरा सीजन चला गया, उससे पहले भी हम आते थे, आज तक हमने तो कभी नहीं देखा। हमारे आगे वो डेढ़ डेढ़ घंटा बैठा है रोड के ऊपर, बीच रोड के ऊपर। तो मतलब कोई ऐसा सेफ्टी ये है कि भाई नाइट में कार्निवोरस हंट करते हैं, सारी चीजें हैं, तो आप बाहर मत रहो, उसको इजी हंट वो नहीं कर पा रहा तो इजी हंट देखेगा, तो डू नॉट गिव हिम अपॉर्चुनिटी। अपने कमरे में रहो, ठीक है, वो नॉर्मल है। नहीं, ये लोग पूरा एकदम हवा बना के रख दिए, वो हवा, इट इज नॉट अ थिंग, बहुत नॉर्मल है। अब वो किसने बनाया, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जिसने भी बनाया, चलो ठीक है, उन्हें कुछ लगा होगा भाई ऐसा हो रहा है टूरिस्टों के साथ, वो तो सेफ्टी व्यू पॉइंट देख रहे हैं ना, वो भी उसको फेंस से दूर इसलिए रख रहे हैं ताकि टूरिस्ट पैनिक ना हो। इवन उन्होंने ग्रासलैंड का पूरा टूर बंद कर दिया, वो इसलिए कर दिया ताकि ऑफिशियली उसकी डीएनए रिपोर्ट वगैरह आ जाए, तब उसको खोल देगी भाई जो ठीक था पकड़ा गया सेफ है। कॉमन चीजें सर, प्रोटोकॉल है, आप कहीं भी जाओ, कोई किल करेगा और कुछ करेगा, एरिया सैनिटाइज करना, लोगों को बचाना, ये फॉरेस्ट का काम है ना। अगर वो खोल दें और उन्होंने गलती से किसी पे पैनिक चार्ज कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो नहीं उठा रहे ना वो, तो सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, तो क्या गलत? नहीं, वो तो अच्छा, वो तो अच्छा, कॉमन चीज है। सैनिटाइज करना तो इनका पहला काम, एरिया को सैनिटाइज करना, बचाना, नो डाउट, लोग वहां ना जाएं, वही तो कर रहे हैं। इसके बाद भी जानते स्थिति होगी, अभी मुझे बता रहे थे बुकिंग बहुत तेज करी। देखो मैंने तो जनवरी की भी करा रखी है, फरवरी मार्च अप्रैल मई की भी कराऊंगा, जो हो रहा है वो होता रहेगा, वो उसका नॉर्मल इंस्टिंक्ट है, उसके बिहेवियर को आप नहीं बदल सकते, ही हैज टू किल समथिंग टू इट, उसमें क्यों टेंशन लेंगे। कि लोग क्या किए, हिल स्टेशन घूमना शुरू किए, जब पहाड़ों पे भीड़ बढ़ी तो होटल बढ़े, रेस्टोरेंट बढ़े, तो एक नया फैशन शुरू हो गया, रिवर साइड व्यू। हाँ, रिवर साइड व्यू, तो नदी में घुस के होटल बनने लगे। हाँ। नतीजा क्या हुआ, सब और यहाँ हर साल ही होता है, तो हिमाचल खत्म हो गया एकदम। हाँ। कितनी तबाही, हम यही डर रहे हैं जिस हिसाब से यहाँ पे लोग जंगल आ ही नहीं रहे, खाली टाइगर देखना है, देखना है। एक तो गलत ड्राइवर भी हैं, गाइड भी हैं, मतलब ढोंस डाल रहे हैं, मतलब पूरे जंगल की ऐसी तैसी कर दे रहे हैं। वही वही, तभी तो हमको डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि आदमी जंगल में और टाइगर पहुंच जाए, समझ ही नहीं रहे ना। उनके हैबिटेट को अगर हम डिस्टर्ब करेंगे, ये बहुत जल्दी जंगल बंद करा देंगे।